मध्य प्रदेश में जल्द ही विधान परिषद का गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के अनुरूप जल्द ही मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन करने जा रही है, जिसमें 76 सदस्य होंगे। 76 सदस्यीय विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग ने तैयार कर लिया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि हम जीते प्रदेश में विधान परिषद बनाई जाएगी, और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में एक और संस्थान की जरूरत है। बहरहाल अब कहा यह जा रहा है बीजेपी भी इसके लिए तैयार है। कुल जमा विधान परिषद के गठन को सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। ये बात सही है कि वचन पत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा का गठन करना का विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री जी को है, मंत्री परिषद को है, और प्रस्ताव जो है इस संबंध में जो भी होगा वो विधानसभा द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद में प्रस्ताव यदि होता है और राज्य शासन निर्णय लेती है इसको अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार को चाहिए कि जो भी निर्णय ले उसमें प्रदेश का जनमत जरूर तैयार करे, विपक्ष से भी बात करे, और सही मायने में है कोई भी गठन केवल राजनीतिक व्यक्तियों को मोबिलाइज करने के लिए ना हो, व्यवस्था को ठीक करने के लिए हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, बहुत अच्छी बात, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के एजेंडे में पीछे आपका राजनीतिक लोगों को केवल मोबिलाइज करने का एजेंडा होगा, ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसी कोई कवायद कर रहे हैं हमसे भी बात करें, हम भी एक फ्लोर पर बैठकर बातचीत करेंगे और देखेंगे यदि क्या उनका रीति है, क्या नीति है और किस प्रकार से उनकी प्लानिंग है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। एमपी में विधान परिषद का गठन। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, और इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शैलेंद्र प्रधान साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं शैलेंद्र जी आपका। खिलाफन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत करते हैं, फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं। दीपचंद्र यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपका भी स्वागत करते हैं। और सीधे दीपचंद जी आपके पास में ही आता हूँ कि जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में विधान परिषद के गठन की बात कही थी, संसदीय कार्य विभाग ने, जिस तरह से कांग्रेस के हवाले से खबर है कि संसदीय कार्य विभाग ने अब इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, क्या कुछ मसौदा है और क्या माना जाए कि जो वचन पत्र में आपने वादा किया था विधान परिषद के गठन को लेकर उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है? ये जब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो वचन पत्र में अपना जनता से वादा किए थे चुनाव से पहले, उनको पूरा करने के लिए वो प्रयास रहते हैं। उसी कड़ी के अंदर ये विधान परिषद के गठन की बात आ रही है। अब विधान परिषद के गठन का मामला वचन पत्र में तो कमलनाथ जी ने दिया, लेकिन ये काफी लंबी और पुरानी बात हमारे वचन पत्र में है, जो हमेशा पहले एक बार डीपी मिश्रा जी, जब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनने भी किया, फिर दिग्विजय सिंह जी के जमाने में भी ये बात उठी थी, और उसके लिए जब नई विधानसभा भवन जो बना है उसके अंदर विधान परिषद के भवन का भी प्रावधान था। अब उसकी स्थिति क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है, और अगर कमलनाथ जी पे मैं समझता हूँ उनकी वर्किंग को, अगर उन्होंने ठान ली कि वो बनेगी तो बनाकर क्या रहेंगे। क्या दीपचंद जी जो भी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, इसकी आवश्यकता या जरूरत अभी आप समझते हैं कि विधान परिषद का गठन होना चाहिए जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी और जो कामों का एक विकेंद्रीकरण है वो इसमें होगा, तो ऐसे मध्य प्रदेश के लिहाज से अभी आपको काफी उपयुक्त समझते हैं इसको विधान परिषद के गठन को लेकर? नहीं, बिल्कुल उचित है और होना चाहिए। विधान परिषद अपर हाउस होता है एक तरह से, जिस तरह राज्यसभा है उसी तरह से अपर हाउस होता है, और इसके अंदर इसका गठन के अंदर इसकी बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी से आते हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि होते हैं और भी होते हैं इसके बाद में, लेकिन इसकी इसको गठन में सबसे बड़ी है कि बिल्कुल हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, और वो मुझे लग रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और कमलनाथ जी इसको कर देंगे, और ये स्टेट के फेवर में भी होगा
तो अगर इसको जिस तरह से राज्यसभा स्थायी सदन होता है उस तरह से इसको भी प्रावधान करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जब हमारे विधानसभा जो भंग हो जाती है या समाप्त हो, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो विधान परिषद अपना कार्य करते जाएगी और जो रोजमर्रा की जो कानून बातें होती है वो उसमें उस पर। चलिए दीपचंद जी, आप मुझसे जुड़े रहिए, लगातार मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ में अन्य मेहमान जो हमारे साथ में हैं। इससे पहले कि मैं शैलेंद्र प्रधान जी के पास में आऊं, चंद्राकर खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, आज कुछ कह रहे हैं आप जी। मेरा सवाल है जी, नमस्कार दीपन जी, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी का आपसे सवाल है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीपचंद जी नमस्कार। नमस्कार। विधानसभा भवन में पर्याप्त व्यवस्था है अभी? विधान परिषद के लिए सभागृह भी बना हुआ है और उनके सदस्यों के लिए पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने तो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया, इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने 98 में घोषणा पत्र में शामिल किया था, इससे पहले डीपी मिश्रा के शासनकाल में 67 में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से लोकसभा को भेजा गया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वचन पत्र में शामिल कर देना पर्याप्त नहीं होता या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तैयार किया हुआ एजेंडा या प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होता? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है सदन में, क्या आपके पास 2/3 बहुमत है? क्या आप भाजपा के सहयोग के बिना विधान परिषद जो उच्च सदन कहलाता है विधान राज्य का, इसको पूरा कर सकते हैं, इस वचन को पूरा कर सकते हैं आप? देखिए चंद्रकर जी, मैंने पहले ही कहा कि इसको अपन को सभी राजनीतिक दल जितने हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जिस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट होता हो, कमलनाथ जी ने पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छी सक्षमता से और फ्लोर मैनेजमेंट करने का उनको अच्छा अनुभव है और उनके अगर आपकी नियत है और इसके अंदर अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग मिलता है तो ये प्रदेश के मैं आऊंगा। आपके तमाम सारे सवाल इससे जुड़े हुए, शैलेंद्र प्रधान साहब हमारे साथ में। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे अगर इसको लेकर, विधान परिषद के गठन को लेकर कहा जाए तो बीजेपी इसके विरोध में रही है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसकी खिलाफत कर चुके हैं, अब जब कमलनाथ सरकार विधान परिषद गठन की बात कर रही है, संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, बीजेपी किस रूप में देखती है इसको? देखिए, ये विधान परिषद का गठन और उसमें माननीय विधायक का प्रतिनिधित्व, विधायक दल का हो प्रतिनिधित्व, जिला परिषद और जनपद परिषद का वो हो रिप्रेजेंटेशन, यूनिवर्सिटीज का हो, साहित्यकार हो, अन्य क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जा सकते हैं, पर आज की तारीख में माननीय विधायकों ने ऐसी परंपराएं नई क्रिएट करी हैं कि उनको जनता के बीच में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा। ये चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करना अलग विषय है, पर अगर माननीय ऑलरेडी 230 विधायक और उनकी जो छवि है जिसको लेके कई बार समाचार पत्रों में भी छपता, जनता भी नाराज होती है, तो इस बीच में जो वातावरण है, पहले वो माननीय जो विधानसभा सदस्य हैं वो अगर अपना व्यवहार और आचरण जनता की भावना के अनुरूप रखेंगे तो फिर विधानसभा परिषद का गठन करना जनहित में होगा और जनता उसको स्वीकार करेगी, अन्यथा अनायास कोई प्रयास करने से एक नाराजगी उत्पन्न होती है जो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं इस भावना के विपरीत है। चंद्रका खिलावन जी, जो बात आपने दीपचंद यादव जी से कही थी उससे ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक तो 2/3 बहुमत से ये विधानसभा से पास हो, इसके अलावा जिस तरह से राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, फिर राष्ट्रपति के पास की बात करें, तो अभी इतना आसान रास्ता इसका नहीं है जितना अब कांग्रेस कह रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल राजेश, आपने ठीक कहा, बिल्कुल आसान रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो आपको फ्लोर में 2/3 बहुमत जुटाने की ज़रूरत होगी और मुझे लगता है कि जिस तरह से
जो सरकार रहती है, जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं, उनको ओबलाइज करने के लिए विधान परिषद का गठन लगभग माना जाता है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश चूंकि विभाजन के बाद बहुत छोटा राज्य हो गया है, और छोटा राज्य होने के कारण प्राय हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व लोगों का रहता है, ये बड़े राज्य की परिकल्पना में के समय जो है करना पड़ता है कि विधान परिषद का गठन करके, जैसे यूपी में, जैसे यूपी व्यवस्था बनाई है, यूपी में, बिहार में, तो ये सब तो पहले विभाजन के पहले ही हो गया था, जब यूपी विशाल था, जब बिहार विशाल प्रांत था, तब हो गया था, ताकि दूर दराज के लोगों को भी विधानसभा में, विधान परिषद में ला के, फ्लोर में ला के उनसे बात की जा सके, उनसे उनके मत जाना जा सके किसी भी विधेयक में, इस तरह का व्यवस्था होती है। लेकिन सिर्फ सरकार के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए यदि विधानसभा परिषद का गठन किया जाता है तो मुझे लगता है कि भाजपा इसके घनघोर विरोध करेगी और फ्लोर में इसको किसी भी तरह से पास करने नहीं देगी, ऐसी मुझे आशंका है। और यदि किसी तरह से पास भी हो गया, जैसे कि दीपचंद जी बता रहे थे कि फ्लोर मैनेजमेंट में बहुत महारत हासिल है मुख्यमंत्री जी को, कमलनाथ जी को, और बड़ा लंबा संसदीय अनुभव है उनका, तो मुझे लगता है कि यदि फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाए वो और फेल हो गए तो यही मध्य प्रदेश में ही दम तोड़ कर रह जाएगी ये, और बाद में फिर लोकसभा में भेजना, राज्यसभा में भेजना, वहां पास करा के वहां, हालांकि राज्यसभा और लोकसभा में सामान्य प्रक्रिया के तहत हो जाएगा, साधारण बहुमत दो तिहाई की जरूरत नहीं होती, बहुमत की जरूरत होती, मुझे लगता है वहां तो पास हो जाएगी, और राष्ट्रपति जी भी संसद के मंशा के अनुरूप उसमें हस्ताक्षर भी करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लगभग मुझे लगता है 1.5 साल का समय व्यतीत हो सकता है, और उसके बाद ही विधान परिषद जो है उसमें अस्तित्व में आ सकती है। लेकिन राजेश जी, एक मेरा बड़ा जो दो तरह की बातें हैं जो संसदीय कार्य विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, मुझे लगता है दो तरह से काम कर रही होगी, अभी मुझे बहुत गंभीरता से इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन दो तरह से काम कर रही होगी, या तो नए सिरे से विधानसभा में प्रस्ताव ला करके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कराया जाए, या 67 में जो पास हुआ है 2/3 बहुमत से और लोकसभा को भेजा गया है उसी पे कंटिन्यू आगे काम किया जाए, ये दो तरह की परिस्थितियां हो सकती है। संसदीय कार्य विभाग अभी किस दिशा में काम कर रही है ये मैं सुनिश्चित तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी वाली प्रक्रिया ज्यादा बेहतर है, कि आपने यहाँ के फ्लोर से 2/3 बहुमत से पास करके उसको लोकसभा में भेजा है, तो लोकसभा को कह प्रत्याचार करके या संवाद करके उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, यदि सरकार की मंशा पूरी तरह से। खिलावन जी, मुझे लगता है कि और राज्यों में, तकरीबन 9 राज्यों में ऐसा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा या राज्यसभा से कोई ऐसा कानूनी पैच उसमें फंसे। अगर जिस तरह से आपने कहा कि जिस प्रक्रिया से आप 2/3 बहुमत से सदन में पास कराइए फिर आप वहां पर भेजिए, देखिए देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 31 स्टेट हैं, और 31 स्टेट में से 7 स्टेट में वर्तमान में ये प्रणाली लागू है, विधान परिषद की प्रणाली लागू है, और जिन स्टेटों ने 2/3 बहुमत से पास किया उसको राज्यसभा और लोकसभा में कहीं रोक नहीं लगती, क्योंकि सबकी मंशा होती है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई बेहतर तरीके से काम करने के लिए कोई प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसको पास कर दिया जाएगा। खिलावन जी, दोबारा आपके पास में आता हूं, दीपचंद जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, दीपचंद जी जुड़े हैं हमसे? जी, दीपचंद जी, सवाल ये है जो खिलावन चंद्राकर जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक मंशा है वो नेताओं को खुश करने को लेकर है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी भी ये सवाल खड़े कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि 15 सालों तक जब कांग्रेस में सत्ता में नहीं रही, एक लंबी फेरहिस्त है नेताओं की जिसको मोबिलाइज करना है, ये बीजेपी कह रही है। देखिए ये तो अपना अपना विचार हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, वो किस तरह से देखते हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, और जो अच्छी पहल होना चाहिए डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उसका स्वागत करना चाहिए, और अगर इसमें सच्ची नीयत है और इसमें मुख्यमंत्री जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सबको विश्वास में लेना चाहिए, और उनको प्रतिपक्ष के नेता से ही बात करना चाहिए, उनके MLA से ही बात करना चाहिए, खुद की मंत्री परिषद में बात करना चाहिए, और फिर कमलनाथ जी पर मुझे इतना जरूर विश्वास है अगर वो दिल्ली में
चले जाएंगे यहाँ से पास होने के बाद लेने के लिए, तो वो जिन जिन राजनीतिक पार्टियों से और राजनीतिक नेताओं से, चाहे वो किसी भी, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, जो प्रतिपक्ष में हो, उन सबसे चर्चा करके एक जो प्रदेश के हित में जो एक बात, काफी बेहतर बात आप दीपेंद्र जी, काफी बेहतर बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष से भी बात करना चाहिए, लेकिन अभी जो दर्द है वो बीजेपी का यही है कि अभी तक कोई उनसे बातचीत नहीं हुई और संसदीय कार्य विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, तो क्यों नहीं अभी तक ऐसा हुआ कि विपक्ष को भी इसमें विश्वास में लिया जाए, उनसे भी इसको लेकर चर्चा की जाए। देखिए अभी 6-7 महीने तो सरकार को बने हुए हैं, अभी हम जब एक तरफ केंद्र में, कल मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि 70 साल में जो नहीं हुआ मैंने 70 दिन में कर दिया, तो शायद वो ये भूल गए कि 5 साल पहले भी गुजर चुके थे, तो पिछले पांच साल में क्यों नहीं किया। तो ये सब बातें होती हैं, अगर हमारी नीयत सच्ची है और अगर हम ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो सबको विश्वास में लेकर के करना चाहिए। शैलन प्रधान जी से जो नियत की आपने बात की है, शैलन प्रधान साहब हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, शैलन जी क्या कहेंगे जिस तरह से दीपचंद यादव कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जाना खाली मिला और कहीं ना कहीं उनके मन की जो पीड़ा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, ऐसे मौके पे ये प्रस्ताव लाकर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी या तो जो पहले बयान दे रहे हैं वो भूल गए, या आगे जो कह रहे हैं तो उनमें तालमेल नहीं समझ में आता। ये बात तो सही है कि जब आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा तो निश्चित ही विपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं से बात करना ही पड़ेगी। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर मैंने कहा कि माननीय विधायक पहले अपना आचरण व्यवहार जनता की भावना के अनुरूप तो रखें। आज जो छवि बनी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब लाओ और ऑर्डर ले जाओ, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अगर भ्रष्टाचार की ऑलरेडी 230 में से आधे तो माननीय विधायक इसी काम में लगे हैं, तो क्या आगे भी आप जो 76 की परिषद गठित करने वाले हैं उसमें भी जो माननीय जो विधायक बनेंगे क्या उनको भी इसी लाइन पे घुसना है? या देखिए बेसिकली हमको जनता में अपनी छवि उज्जवल करना होगी, तब जाके इस भाव पे सोचा जा सकता है। खिलावन जी क्या जो भी व्यवस्था चल रही है वर्तमान में, अब विधान परिषद की बात हो रही है, ऑलरेडी जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति है, सरकार की स्थिति है, राजस्व की जो स्थिति है, आपको नहीं लगता कि एक और वर्डन इस प्रदेश पर, प्रदेश की जनता पर विधान परिषद को बनाकर कहीं ना कहीं उसके खर्चे जो 76 आप उसमें सदस्य बनाएंगे वो तमाम सारी चीज़ें व्यवस्थाएं उसके लिए बनाई जाएंगी, तो आपको लगता है कि ये स्थिति उचित समय है कि ऐसा किया जाए मध्य प्रदेश में? देखिए आपका भी सवाल बहुत मौजूद है और शैलन प्रधान जी ने भी बड़ा सवाल उठाया है। यदि सरकार ये कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हमें खाली खजाना दिया गया, हम हर महीने कर्जे ले रहे हैं, महीने में 4 बार कर्जे ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये खर्चीली पद्धति है। 77 सदस्य जो एक तिहाई है, विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 वो 77 होती है, तो मुझे लगता है 77 सदस्य विधान परिषद में रखे जाएंगे और सचिवालय एस्टेब्लिशमेंट में लगभग मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पे यदि कहा जाए तो इनके पीए भी रहेंगे, उनको पीए दिया जाएगा, साथ ही लगभग 100 सचिवालय कर्मचारियों भी लगभग प्रारंभिक स्तर पे चाहिए, तो एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, उनको वेतन भत्ते, उनके और सुविधाएं जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनको दिया जाएगा, तो एक बड़ा खर्चीला पद्धति तो है, ये इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सरकार जिस तरह से बड़ी योजनाओं में खर्च करती है तो बड़ा ये बड़ी योजना भले ही नहीं है लेकिन व्यवस्था को कायम रखने के लिए बड़ी व्यवस्था जरूर है। और मुझे लगता है कि दूर दराज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सीधे राज्य की के मामले में से जोड़ने के लिए, उनके राय लेने के लिए ये परिषद, विधान परिषद बहुत ज़रूरी होता है और इसके गठन की प्रक्रिया जो है बहुत बहुत पारदर्शी तरीके से रखी गई है। एक तिहाई सदस्य तो इनके, जो कुल 77 में से 1/3 सदस्य तो इनके विधानसभा के सदस्य चुनेंगे और 1/3 सदस्य लगभग जो स्थानीय निकाय हैं,
जिला पंचायत है या अभिकरण है या इस तरह की संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि इनका चुनाव करेंगे। 1/4 सदस्यों की संख्या जो है वो अध्यापक वर्गों में से आएगी, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के जो अध्यापक वर्ग हैं उनसे चुना जाएगा। साथ ही साथ पंजीकृत स्नातकों में से जो स्नातक हैं हमारे प्रदेश में उनमें पंजीकृत हैं जो लोग, और जो लोग 3 साल पहले ही स्नातक कर चुके उनके द्वारा 1/12 सदस्यों की संख्या चुनी जाएगी। और बाकी सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सलाह पर की जाएगी। अर्थात कुल मिला के ये कहना है मेरा कि सरकार जो चाहेगी वो होगा, अर्थात सरकार अपने लोगों को मोबिलाइज कर पाएगी 77 लोगों को, और 77 अपने लोगों को और सचिवालय में नियुक्तियां दी जाएंगी अपने लोगों को। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा खर्चे का काम तो है ये। छोटा सा कमेंट, वक्त कम है, दीपचंद यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। दीपचंद यादव जी, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, खिलावन चंद्राकर जी भी कर रहे हैं कि एक खर्चीला काम है, और क्या अभी आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए उचित समय है कि आप उसमें विधान परिषद का गठन करें? देखिए, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी के जमाने में ये होता था कि बड़े उदारता थे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उदारता से वहां से काफी पैसा दिया जाता था। और अगर हम प्रजातंत्र को लोकतंत्र की बात करते हैं, देश की नरेंद्र मोदी सरकार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसको जो केंद्र से जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है मध्य प्रदेश का, वो पैसा रिलीज कर देंगे। अभी बात हो गई है क्या, ये बात हो गई क्या इसको लेके कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, खर्चा इसमें होगा, स्थिति सही नहीं है? करना चाहिए, देखिए बगैर केंद्र से चर्चा किए हुए तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से पास भी करा देंगे और केंद्र ने उसको अपने बजट में अपने कार्य सूची में नहीं लिया तो जिस तरह से 67 से पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो इसलिए सबको विश्वास में लेकर के मैंने अभी इसलिए पहले कहा कि सभी को विश्वास में लेकर करना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि जो जिस तरह के कमलनाथ जी के स्टेट में और भानोट जो है ना तरुण, वो भी काफी परिपक्व है, हो गए हैं अभी, और उनके भी केंद्र में अच्छे संबंध है, मैं ये जानता हूँ। तो ये अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर और डॉक्टर गोविंद मिलकर बहुत शुक्रिया दीपचंद जी हमसे जुड़ने के लिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपचंद्र यादव जिस तरह से कह रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर यही है, क्या मध्य प्रदेश अभी इस तरह की स्थिति में है कि इसको अफोर्ड कर पाए? और लेकिन अब देखना होगा, जिस तरह से संसदीय कार्य विभाग ने विधान परिषद गठन की तैयारी कर ली है, आज हमारे इस चर्चा में शैलेंद प्रधान साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े, बहुत शुक्रिया शैलेंद जी आपका, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में विधान परिषद गठन की तैयारी है, संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। अभी सदन से विधानसभा से 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राहें आसान नहीं है, एक तरफ ये प्रक्रिया है, पूरी संसदीय प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, खजाने की जो स्थिति है, प्रदेश सरकार लगातार बाजार से कर्ज ले चुकी है, अब ऐसे में विधान परिषद का गठन कितना और भार सरकार पर प्रदेश पर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से इसका आगे गठन होगा ये भी देखना होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।